हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कार्टून करेक्टर है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, वो पूरा इन्वायरमेंट, वो रूम, वो सब कुछ कैसे क्रिएट किया जाता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी मेरा ये 3D Max मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं एक रूम क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म की एक हाइट रख लेता हूँ, 4 इंची हाइट, और 12x10 का एक रूम रख लेता हूँ मैं। भाई 10 फीट का एक मैंने ये प्लेटफॉर्म ले लिया, ठीक है, आप देख रहे होंगे। ये फ्रंट व्यू है। यहां पे मैं सीलिंग और वॉल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैंने इसकी हाइट 10 फीट रखी। लाइन से मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसको साइड में ले जाऊंगा। इस व्यू को मैं बड़ा करके आपको सही से ज्यादा हाईलाइट हो इसलिए। ठीक है, इस लाइन को मैं, यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 45 का एंगल रख लेता हूँ, इसमें आपको कोई भी चीज़ रोटेट करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने इसको रोटेट किया, टॉप व्यू में आता हूँ, टॉप व्यू में आके ये लाइन को मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ, बिल्कुल साइड में। तो 12 फीट इस प्लाइन में रीड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आउटलाइन लेके, जैसे 6 इंच की वॉल होती है, 6 इंच की वॉल लेके और एक्सट्रूड कर देता हूँ 10 फीट। 10 फीट मैंने क्रिएट कर दिया। आप देख रहे होंगे सीलिंग भी क्रिएट हो गई, वॉल भी क्रिएट हो गई। और यहाँ पे मैं कलर, एक जैसे मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ इनका, ये वॉल का। और ये देख पा रहे होंगे आप, शेडो आ रही है। शेडो को हटाने के लिए यहाँ पे हम रियलिस्टिक में जाएंगे, लाइटिंग एंड शेडो में जाकर, क्योंकि जब हम सीन क्रिएट करते हैं कोई, तो उसमें सीन क्रिएट करने में शेडो को हटाना जरूरी होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सही से देख नहीं पाते हैं। तो हम शेडो को हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हटा दिया, ये मेरी सीलिंग क्रिएट हो गई। एक्चुअली हमें, हमारा फोकस होना चाहिए हम कार्टून करेक्टर को कैसे एनिमेट करते हैं। हम अगर इसी में ज़्यादा टाइम बैकग्राउंड में बनाने में और रूम में लग जाएंगे, तो हम अपने कार्टून को कैसे एनिमेट कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी कैसे चीज़ को बना पाएंगे, इसलिए ये मैं चीज़ मेंशन कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ से मैं एक विंडो क्रिएट करूँगा, ठीक है, या साइड व्यू में आएंगे। यहाँ पे एक मैं स्प्लाइन लेता हूँ, एक स्प्लाइन अलग से कॉपी करता हूँ, और 6 फीट की हाइट के आसपास की मैं हाइट ले लेता हूँ, और लेफ्ट 4 फीट। आपको ये देखना है कि आपको विंडो किस साइज की लेनी है, और डिज़ाइन में आपको किस टाइप की विंडो लेनी है, वो आप खुद डिसाइड करें। मैं आपको एक इसमें चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मेरा मन है कि मैं 6x6 की विंडो लेता हूँ, मैंने 6x6 की विंडो ले ली। अब ये मैंने स्प्लाइन ली है, तो आपको इसमें बूलियन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब आप पूछेंगे बुलियन होता क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा बुलियन होता क्या है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं स्प्लाइन बताया है। स्प्लाइन को राइट क्लिक कीजिए, इसको पहले कन्वर्ट टू स्प्लाइन कीजिए, और स्प्लाइन करने के बाद इसको अटैच कर दीजिए इस स्प्लाइन के साथ, और ये आपको स्प्लाइन दोनों अटैच हो गई हैं, और मैं इसमें मॉडिफायर X2 डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से 3 फीट 3.5 मीटर के आसपास लिया हुआ है, मुझे अभी चाहिए वॉल की थिकनेस चाहिए लगभग 6 इंच के आसपास, तो 6 इंच मैं यहाँ पे कर दूंगा, और ये आपकी 6 इंच की वॉल आ गई, और ये विंडो आपकी क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे जैसे विंडो क्रिएट की है, तो विंडो में एक चौखट होती है, तो चौखट क्रिएट करूंगा, चौखट को क्रिएट करने के लिए इसी की कॉपी लूंगा, और ये बाकी मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। 2 इंची के आसपास की मैं चौखट लूंगा, मैंने 2 इंची की चौखट ली, ठीक है, 2 इंची बाय 2 इंची की, ठीक है। यहाँ पे मैं अब वॉल का कलर थोड़ा चेंज करूंगा, वॉल का कलर यहाँ पे थोड़ा डिजाइनर रख देता हूँ, थोड़ा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा कलर रखना है, मैं वॉल का कलर ये रख देता हूँ, ये नहीं अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ से आकर कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस वॉल का कलर रेड रख देता हूँ, ठीक है, चौखट का कलर थोड़ा ब्राउनिश कलर में रख देता हूँ, ये ब्राउनिश कलर में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, बीच में से एक स्प्लाइन क्रिएट की, 2 इंची उसकी थिकनेस ले ली, तो उसको एक्सट्रूड कर दिया ना है, तो मैं एक विंडो की कॉपी, इसकी चौखट की कॉपी लूंगा, और यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है, और यहाँ पे इसका कलर दे दूंगा, ठीक है। अब आप इसमें ग्लास लगाना चाहते हैं तो ग्लास भी लगा दें, ऐसे ऐसे इसी की कॉपी लेकर, और इसी को पतला करके आप स्केल से ये भी फिलहाल कर देता हूँ, कोशिश करें कि जितनी जल्दी काम हो, आपका फोकस होना चाहिए करेक्टर बनाने में और एनिमेशन देने में। मैं अब इसका बैकग्राउंड जो है ग्लास का कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा स्काई टाइप का, जैसे मैंने एक वॉल क्रिएट कर दिया रेड कलर में, तो आप दूसरी तरफ वॉल क्रिएट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस साइड में एक वॉल क्रिएट करूँ, और यहाँ पे ये मैं, आपने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एनिमेट क्रिएट की हुई है, एनिमेशन क्रिएट की हुई है, दो कार्टून है, एक बेटा है और एक बाप है, आपस में बात कर रहे हैं, फादर सन बात कर रहे हैं, मतलब वीडियो मैंने क्रिएट की हुई है, तो वो कैसे क्रिएट किया मैं उसके बारे में पूरा आपको बता रहा हूँ। जब भी मैं कुछ ऐसा एनिमेशन बनाया करूँगा और मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा भी वो बनती कैसे है, ये भी चीज़ें कोई दूसरा नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको, ये मेरे चैनल में आइए और ये चीज़ें सीखिए, ये आपके फ्यूचर के लिए, आप कैसे लोग यूट्यूब में कैसा काम कर रहे हैं, कैसे वीडियोज़ बना रहे हैं, तो ये इसके बारे में मैं आपको सारे ट्रिक बताऊँगा। जैसे मैंने ये दूसरी वॉल भी क्रिएट कर दी, तो दूसरी वॉल में आप कलर चेंज करना चाहते होंगे तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ये रेड ली थी तो इसमें थोड़ा ग्रीन पोर्शन ले सकते हैं ग्रीन कलर का, और इसको ऐसा नहीं करते। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों वॉल का कलर अलग अलग है, जैसे इसका ग्रीन है इसका रेड है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो बैक वॉल है उस पर मतलब
मैं चाहता हूँ जो बैक वॉल है उस पर जो वॉलपेपर होना चाहिए कुछ अच्छा सा, तो मैं यहाँ से इस वॉल को क्रिएट कर दूँगा। इस वॉल पे एक जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ उसी साइज का, ठीक है, यहाँ से इसको पीछे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कलर आ गया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ मैंने अपने मटीरियल रखा हुआ है बिटमैप में गया, यहाँ से मैं गया डी ड्राइव में, डी ड्राइव के अंदर मैंने अपना ये सारा मटीरियल रखा हुआ। आप भी अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये उठा लिया, ये मेरे पास मटीरियल है, वॉलपेपर है, मैंने यहाँ से ओपन किया और यहाँ से पिक कर दिया इसको, यहाँ से इसको क्या कर दिया, असाइन मटीरियल टू सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं क्लिक करके कितना आपको चाहिए, और यहाँ पे टाइलिंग ज़्यादा है तो कम कर देंगे इसको, इसको थोड़ा टाइलिंग को बढ़ा देंगे, 4 कर देते हैं और यहाँ पे भी 4 कर देते हैं। तो देखो अब टाइलिंग बिल्कुल सही आ रही है, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे आपको अब एक कार्टून करेक्टर के लिए कि वो कोई, जैसे लास्ट वीडियो मैंने जो क्रिएट की थी उसमें मैंने सोफ़ा सेट लगाए हुए थे, तो मैं यहाँ पे सोफ़ा सेट लगा के दिखाता हूँ। सर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्लोरिंग कैसे लगती है नीचे फ्लोर पे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से नीचे की तरफ आए, टॉप व्यू में देखेंगे, ठीक है, ये आपकी फ्लोरिंग पूरी आ रही है, एरिया पूरी ले रही है। अब इसके ऊपर फ्लोरिंग का टेक्सचर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक पिक्चर ऐसी हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे सोफ़ा सेट लगाने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें सोफ़ा सेट रखे हुए हैं मैंने बनाकर, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी वहीं से लाइब्रेरी में जाता हूँ और मैंने कुछ सोफ़ा सेट बना के रखे हुए हैं, एक्चुअली सोफ़ा विद डमी के साथ मैंने रखा हुआ है, जैसे मैंने ये सोफ़ा सेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको, अभी मेरे को ये डमीज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डमीज हटा देता हूँ, और मेरे को चाहिए 2 सीटर चाहिए, अभी मेरे पास 3 सीटर हैं, मेरे को 2 सीटर चाहिए, मैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। अब ये सोफ़ा सेट है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको वाइट में चाहिए तो यहाँ से कलर पिक कीजिए इसका, और यहाँ से आप इसका वाइट कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देख रहे होंगे वाइट कलर। अब आपको ये टेबल पीछे जो पेड़ छोटा सा एक प्लांट के साथ है, तो आप चाहते हैं कि एक और चाहिए तो इसी की कॉपी एक और कर लीजिए यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं स्क्रीन, एक सीनरी लगाना चाहता हूँ, एक पिक्चर जो हमारे इस जो मैं बना रहा हूँ उसको थोड़ा और देखने में अच्छा लगेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक सीनरी लगा देता हूँ, पीछे की तरफ, ओके, ओके। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, आप कुछ भी मतलब आप बैकग्राउंड में कुछ भी देना चाहते हैं, तो मैंने एक लाल के लिए यहाँ पे रख देता हूँ, इसकी टाइल्स ज़्यादा है, टाइल्स कम कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक रूम तैयार हो गया आपका, और सामने से ओपन रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ ओपन रखेंगे तभी आप अपने कैमरा की एनिमेशन को सही से दे पाएंगे। जो भी आपको कैमरा लगाना है वो आपको फ्रंट की तरफ से लगाना है, जो भी आपका करेक्टर होगा वो सामने बैठा होगा और आपस में बात कर रहा होगा, जिस तरह का आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ समझ में आए कि कैसे एक कार्टून करेक्टर का इन्वायरमेंट पूरा एक रूम कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं वो बता रहा हूँ।
अब आते हैं कार्टून, कार्टून कैसे क्रिएट करना है। मैंने ये बना दिया है, अब मैं बहुत ही जल्दी में आपको एक कार्टून करेक्टर बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेयर लिया, ठीक है, स्पेयर लिया यहाँ पे, और स्पेयर लेने के बाद उसको फ्रंट में रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखिए, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सोफ़ा के ऊपर कितना बड़ा एक मेरे को कार्टून करेक्टर क्रिएट करना है। मैंने एक ये क्रिएट किया, फिर एक ऊपर से ऐसे जो अपनी बॉडी का पार्ट होता है वो क्रिएट करूँगा मैं, थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ाऊँगा और इसको थोड़ा स्केल करूँगा। स्केल करके मैंने यहाँ पे इसको सोफा के ऊपर बैठा दिया, ये आप देख पा रहे होंगे कैसी शेप ले रहा है। फिर मैं यहाँ से इसका एक काम करता हूँ, थोड़ा कल अब इसी की मुझे लेग्स वो आर्म्स बनानी है, इन्हीं चीज़ों से मैं इसकी लेग्स भी बना दूँगा। जैसे ये है, रेडियस थोड़ा पतला करता हूँ, थोड़ा लंबे में करता हूँ, स्केल करता हूँ, यहाँ से ये आम बना रहा हूँ और इसकी कॉपी ली और मैंने इसका मिरर बना दिया। ये हैंड क्रिएट हो गए, अब मुझे लेग क्रिएट करनी है। यहाँ से मैं इसकी लेग क्रिएट कर रहा हूँ इस कार्टून की, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ऐसे, और एक लेग और ऐसे उसको नीचे की तरफ कर दिया, एक कार्टून करेक्टर जो लैग होती है जिस टाइप के। आप फोकस कीजिए एनिमेशन के ऊपर, एक कार्टून तभी अच्छा लगता है जब उसकी एनिमेशन अच्छी होती है, और वो कार्टून में जो ये इसका पूरा एक बॉडी क्रिएट कर दी है। यहाँ पे इसका कलर मैं कुछ स्किन टाइप का दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये क्रिएट कर दिया, अब मैं इसके आईज और माउथ, मुँह कैसे क्रिएट किया जाता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, और यहाँ पे आईज यहाँ पे क्रिएट करनी है मुझे, ठीक है। ये आइस क्रिएट कर रहा हूं मैं, और मैं यहाँ पे आइस को ब्लैक कर दूंगा। और मैं थोड़ा इंसर्ट करके इनमें ये पोर्शन को व्हाइट कलर दे दूंगा यू आईज में। व्हाइट कलर दे दिया मैंने, ये हमारी कार्टून की आईज क्रिएट हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसका मुंह बनाने जा रहा हूँ, जो लिपसिंग जिसे बोलेगा वो, जैसे यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक चैम्फर लूँगा, ठीक है, चैम्फर लेके आप देख रहे होंगे ये स्प्लाइन एक और बन गई।
टिक कर दिया। अब इतना पोर्शन क्रिएट करके मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ है, मैं इसको अंदर की तरफ कर दूंगा। ओके ठीक है, ये पोर्शन बन गया, तैयार हो गया। थोड़ा सा स्केल कर दीजिए। तो अंदर वाले पोर्शन को ब्लैक रखिए, जैसे हम मतलब बातचीत करते हैं तो अंदर का पोर्शन हमें थोड़ा ब्लैक ही लगता है, कार्टून करेक्टर जो हम बनाते हैं। ठीक है, मैं ये पूरा अंदर का पोर्शन ब्लैक कर देता हूँ सिलेक्ट करके। ठीक है, ये मैं पोर्शन ब्लैक कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे ये मेरा कार्टून करेक्टर तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, मैंने एक कार्टून करेक्टर क्रिएट कर दिया। ये इसकी एक लेग का कलर चेंज नहीं हुआ था, ये देखिए। और यहाँ पे जैसे एनिमेशन क्रिएट करनी होती है तो यहाँ पे आकर जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है तो ये कैसे बोलेगा, आप लिपसिंग कैसे करेंगे, ये देखिए। कैसे बातचीत करेगा, कैसे बोलेगा, ये उसके ऊपर, ये आप उस हिसाब से इसकी लिपसिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्या बातचीत कैसे कर सकता है, आप पूरी डबिंग कैसे करेंगे, ये अब आपको डिसाइड करना है। मैं फ़िलहाल आपको कार्टून करेक्टर, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बता सकता हूँ फ़िलहाल ये कैसे कार्टून करेक्टर क्रिएट किया जाता है और कैसे इसको पूरा उसका बैकग्राउंड क्रिएट किया कैसे किया जा सकता है, ये मैंने आज आपको बताया है। और चीज कैसे क्रिएट की जाती है ये मैंने आपको इसमें सिखाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी नई नई चीज़ें सीखने का आपके अंदर एक जज्बा हो या आप खुद भी क्रिएट करना चाहते हैं, सीखो और सिखाइए, इसी मूल मंत्र में मैं विश्वास रखता हूँ। तो आज मैं सिखा रहा हूँ तो कल को आप भी सिखाएंगे, तो प्लीज़ पहले सीखें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।